हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। किसी ने सत्य ही कहा है, अगर स्वास्थ्य है तो ही सब कुछ है। जीवन का हर सुख तभी अच्छा लगता है जब आप स्वस्थ हैं। धन संपत्ति यह सब कोई मायने नहीं रखता जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए तो स्वास्थ्य को असली धन कहा जाता है। स्वास्थ्य को अच्छा रखना यह हम पर निर्भर करता है। हमारे खान पान, हमारे दिनचर्या के जरिए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने खान पान से जुड़ी कुछ गलतियां करने पर किडनी की सेहत खतरे में आ जाती है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि किन चीज़ों को आहार में शामिल करना किडनी की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। किडनी हमारे शरीर से बेकार पदार्थों को निकालने का जरूरी काम करती है। इससे शरीर में तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहता है। किडनी की सेहत के लिए क्या खाएं, आइए जानते हैं। नंबर एक, सबसे पहले सुबह तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ एक गिलास पानी पिएं। इस पानी में तांबे के गुण सक्रिय हो जाते हैं। तांबा पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के साथ आंतों की सफाई और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होता है। नंबर दो, दैनिक आहार से विषाक्त चीज़ें हटा दें। चीनी की अधिकता, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, अल्कोहल, धूम्रपान आदि शरीर में टॉक्सिन बढ़ाते हैं। किडनी पर पहले ही दबाव अधिक होता है। विषाक्त तत्वों का सेवन करना किडनी पर दबाव को और बढ़ा देता है। नंबर तीन, नियमित 2 लीटर पानी पिए। यूँ भी गर्मियों में पथरी की आशंका अधिक होती है। कम पानी पीने पर पेशाब कम आता है, जिससे विषाक्त तत्व मूत्र मार्ग में देर तक रहते हैं, जो पथरी का कारण बनता है। पानी, जूस, नारियल पानी, ग्रीन टी, हर्बल टी आदि पिए। नंबर चार, गहरी हरेदार पत्तियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ के अलावा संतरी, पीली बैंगनी व लाल रंग के फल सब्जी खूब खाएं। डाइट का करीब 30% सलाद की तरह खाएं। कच्चे फल व सब्जियां सक्रिय एग्जाम्स, एंटीऑक्सीडेंट व फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। नंबर पाँच, मांसाहारी भोजन कम खाएं। मांस पचाने के लिए एग्जाम्स की अधिक जरूरत होती है। शरीर में एग्जाम्स की कमी होने पर टॉक्सिन बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। नॉन वेज में प्रोटीन बहुत होता है। लंबे समय तक कुल कैलोरी का 30% से अधिक प्रोटीन लेने पर विषाक्त कीटोनस बढ़ने लगते हैं। प्रोसेस फूड से बचें, इसमें नमक बहुत अधिक होता है। पेशाब में जब सोडियम बढ़ जाता है तब वह कैल्शियम को भी खींचने लगता है, इससे पथरी की आशंका बढ़ जाती है। इन्हें खाना रहेगा बढ़िया। अदरक किडनी साफ रखने में सहायक। गर्म पानी में कद्दूकस किया अदरक डालें और उसे घूट घूट पिए। करौंदा, क्रैनबेरी में कुनेन तत्व होता है। यह किडनी से यूरिया व यूरिक एसिड बाहर निकालने में मददगार है। हल्दी, इसका करक्यूमिन तत्व सीधे किडनी की कोशिकाओं पर काम करता है, जिसे सूजन कम करने में मदद मिलती है। रोज हल्दी वाला दूध पिए। बाजरा, इसमें इक्वेरेंसेटिन नामक यौगिक होता है जो विषाक्त तत्वों को बाहर करने में मदद करता है। मूली व इसके पत्ते प्राकृतिक मूत्रवर्धक है, इससे सूजन कम व मूत्र मार्ग का संक्रमण दूर होता है। नींबू व इसके छिलके पथरी बनने से रोकने में मदद करते हैं। साइट्रिक एसिड यूरिन का पीएच बैलेंस बढ़ा देता है, इससे पथरी की आशंका कम होती है। मखाना, इसमें सोडियम कम व पोटेशियम अधिक होता है। यह इलेक्ट्रोलाइट संतुलन ठीक रखता है। गाय का घी, चेरी, सौंफ व तरबूज के बीज, जायफल का सेवन भी किडनी के लिए फायदेमंद होते हैं। केल या भी गोभी की प्रजाति की हरी सब्जी है, जिसमें विटामिन ए, सी और कुछ अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में किडनी की कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने वाले विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। लाल शिमला मिर्च, पोटेशियम की मात्रा कम होने से यह किडनी मरीजों के लिए आदर्श मानी जाती है। इसमें विटामिन सी, ए, बी 6, फाइबर और फोलिक एसिड भी पर्याप्त होते हैं। शकरकंद को दिन में किसी भी समय खाया जा सकता है। इसमें मौजूद अत्यधिक फाइबर धीरे धीरे टूटता है, जिससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है। सेब किडनी व दिल दोनों के लिए फायदेमंद है।
सेब के घुलनशील रेशे कोलेस्ट्रॉल और शकरा का स्तर कम कर देते हैं। सेब का सिलका एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। ताजे सेब से विटामिन सी पर्याप्त मिलता है। इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं। इन पर शहद की कुछ बूंदे व दालचीनी छिड़क कर इनका मजा ले सकते हैं। सलाह, किडनी के पुराने मरीजों को फास्फोरस की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, जैसे मांस, मछली, डेयरी उत्पाद, फली व मदाब। आल लाल मिर्च लाल मांस के रूप में प्रोटीन भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इस संबंध में किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से मिलना भी अच्छा रहता है। फल आप भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में। तब तक लिए स्वस्थ रहिए और अपने को भी ख्याल रखिए।